हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अयुबी जॉब्स अपडेट पर। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आज फिर एक नई वैकेंसी के साथ। आज जो आपकी वैकेंसी निकल के आई है वो आपकी जल विभाग की तरफ से आपकी जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए आपकी ये वैकेंसी निकल के आई हुई है। ये वैकेंसी आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। आप इस वैकेंसी के लिए ऑल ऑफ इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगी आपके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, अप्लीकेशन फीसिस में आपके क्या रखी गई है, सिलेक्शन इसमें आपको कैसे होगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर जो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टोटल पोस्टों की बात की जाए कि आपकी वैकेंसी कितने पदों पर निकाली गई है, तो ये वैकेंसी आपकी 169 पदों पर निकाली गई है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पोस्ट नेम यानी ये पोस्ट किस पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकल के आई, तो आपकी जेई यानी जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकल के आई हुई है। ऑनलाइन डेट फॉर लास्ट डेट यानी आपके आवेदन कब से कब तक भरे जाएंगे, यानी जो आपके फॉर्म है वो कब से कब तक भरे जाएंगे, तो आपके जो आवेदन है वो 19 अक्टूबर 2022 से आपके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं एंड 17 नवंबर 2022 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी आपकी जो लास्ट डेट है वो है 17 नवंबर 2022। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें कि एप्लीकेशन फ़ीस इसमें आपकी क्या रखी गई, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो आपकी है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 रुपये फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। एससी और एसटी के लिए 35 रुपये फ़ीस रखी गई है। एज लिमिटेशन यानी इसमें आपकी एज क्या मांगी गई है, तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35, 38 एंड 40 ईयर्स होनी चाहिए। एज में हमें रिडक्शन भी देखने को मिलेगा, जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर्स का, एससी और एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर्स की एज में छूट मिलेगी। क्वालिफिकेशन इसमें आपके क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन इसमें आपके मांगेंगे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। इसके माध्यम से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस यानी आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपका जो सिलेक्शन है वो आपका इंटरव्यू के माध्यम से होगा, इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। पे स्केल यानी इसमें आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, तो आपकी जो सैलरी है वो 33,100 रुपये से लेकर 62,500 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, यानी हर मंथ का अमाउंट आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अप्लाई मोड जो आपका ये ऑनलाइन रहेगा, यानी ये फॉर्म जो आपके हैं ये ऑनलाइन भरे जाएंगे और किसी माध्यम से नहीं। जॉब लोकेशन जो आपकी है ये है कर्नाटका इंडिया। अगर जो आप इस वैकेंसी के लिए क्वालिफाइड हैं, फॉर्म के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो अप्लाई ज़रूर करिएगा। आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा आने वाला कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि गवर्नमेंट के लेटेस्ट अपडेट हम आपको रेगुलर प्रोवाइड कराते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।